जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट पर संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट के व्हीकल गेट के सामने पार्किंग में ये संदिग्ध बैग मिला। सीआईएसएफ सुरक्षा एजेंसी ने संदिग्ध बैग को कब्जे में लिया है फिलहाल, और बैग में बम होने की सूचना पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। मौके पर आसपास मौजूद सभी लोगों ने सीआईएसएफ के बम निरोधक दस्ते ने यहां पर कार्रवाई की। दरअसल सीआईएसएफ के द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था पर रखने के लिए ये ड्रिल की जा रही है और एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। लेकिन वास्तव में ये मॉक ड्रिल की जा रही थी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे परखने के लिए, ये मॉक ड्रिल की जा रही थी। आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया क्योंकि संदिग्ध बैग था वहां पर और बम होने की इसमें सूचना थी। लेकिन वास्तव में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई, बैग में बम होने की सूचना पर बम निरोधक दस्ते को भी यहां पर बुलाया गया और मौके पर आसपास मौजूद सभी लोगों को वहां से हटाया गया। हड़कंप यहां पर मच गया। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चौरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमंत, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, लोगों में तो काफी हड़कंप मच गया होगा, काफी घबरा गए होंगे, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो मॉक ड्रिल थी। जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा कि जयपुर एयरपोर्ट पर जो है सीएसआई द्वारा लगातार जो है समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है, उसी का एक हिस्सा था जिसके तहत आज जो है एक संदिग्ध बम मिलने की सूचना से वहां पर एयरपोर्ट पर यात्री हो या फिर वहां पर जो स्टाफ है उसमें हड़कंप मच गया। इसके बाद जो है पूरी तरीके से मॉक ड्रिल जो है ये सफल रही, जिसमें सबसे पहले एयरपोर्ट व्हीकल गेट है उसके सामने पार्किंग में ये जो बैग मिला था वहाँ सीएसएफ और सुरक्षा एनएसओ ने इसको कब्जे में लिया। फिर जो है बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, उसके बाद आसपास जो लोग मौजूद थे उनको हटाया गया। उसके बाद सीएसएफ ने बम निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए इसको जो है अंजाम दिया। जब सब कुछ लोगों को पता चला कि ये मॉक ड्रिल का हिस्सा था, तब लोगों ने राहत की सांस ली। जी हनुमंत, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो ये एक मॉक ड्रिल था सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए, लेकिन लोग वहां पर पहले काफी घबरा चुके थे, लेकिन जब पता चला कि ये मॉक ड्रिल था उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।